That will be my first request. आई मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डिप्टी डीओ साहब का और हमारी इलेक्शन की सेल का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया. मैं प्रिंसिपल जीडीसी वुमेन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत कम समय में जो भी आवश्यकता थी उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सहयोग किया. और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस सभागार में उपस्थित सभी अध्यापकों और छात्राओं का कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने. जो अभी डिप्टी डीओ साहब आपको बता रहे थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है. आप में से कई लोग हैं जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके होंगे, पूरी करेंगे. वोट देना, मतदान करना किसी भी लोकतंत्र की जड़ होती है, किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है. जब तक हमने वोट नहीं किया होता या जब तक हम बूथ पे नहीं गए होते या अदरवाइज जब हम उस चीज का अनुभव नहीं किया होता तो हमको लगता है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है, इसका क्या महत्व है. हमको याद ये करना चाहिए कि कॉलेज जाने के लिए जब हम सुबह निकलते हैं घर से और कॉलेज पहुंचने तक हमको जो जो चीजें रास्ते में लगती हैं जो ठीक नहीं है, हमको लगता है ये सड़क ठीक होनी चाहिए, हमको लगता है ये यहाँ बिजली का तार नहीं होना चाहिए, हमको लगता है ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, वो सब करवाने का जो अधिकार आपको लोकतंत्र में मिलता है वो मतदान के माध्यम से मिलता है. मतदान की जो प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र में चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी आवश्यकताओं को, जो आपकी ज़रूरतें हैं उनके अनुसार सरकारी पैसे का व्यय कर सकें. तो इसलिए ऑल ऑफ यू आर वेरी यंग, आप सभी लोग युवा हैं, आप सब लोगों को भविष्य में अलग अलग क्षेत्रों में काम करना है, मगर पब्लिक सेवाओं से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सबको इम्पैक्ट करती हैं. आप सरकारी सेवा में कल काम करें या प्राइवेट सेक्टर में काम करें, बट सड़क वही रहेगी जिसका आप प्रयोग करेंगे, पानी वही आएगा जिसका आप प्रयोग करेंगे, बिजली वही मिलेगी जिसका आप प्रयोग करेंगे. वो आपको सुचारू रूप से मिले ये सुनिश्चित करने का मौका 5 वर्षों में एक बार आपको मतदान के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से मिलता है. एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए पहला अवसर होने वाला है. जो आप में से पहली बार वोटर बनेंगे, जिनको वो अवसर मिलेगा, तो वो एक अपने आप में जीवन का होता है ना, जो भी चीज़ जीवन में पहली बार करते हैं वो हमेशा याद रहती है, उसके बाद के अनुभव जो होते हैं वो खाली उस सिलसिले का हिस्सा बन जाते हैं. तो मेरी एक तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी आप लोग 1 अक्टूबर 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र प्राप्त कर रहे हैं, अपना वोट ज़रूर बनवाइएगा. आज से 15 सितंबर से वो प्रक्रिया शुरू हो रही है. अगले एक माह फॉर्म्स लिए जाएंगे. फॉर्म्स 3 प्रकार के होते हैं. ये सिर्फ आपके लिए आवश्यक नहीं है, आपके परिवार वालों के लिए भी आवश्यक है. आपके घर में हो सकता है बहुत से लोगों के पहले से वोट बने हों. नॉर्मली वोटर आईडी कार्ड अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो हमको उसमें कई गलतियाँ मिलती हैं. हमारे पिताजी का जो वोटर कार्ड होता है उसमें घर का जो पता होता है वो ये होना चाहिए, उसकी जगह कुछ और लिखा होता है और हम सोचते हैं ये कैसे ठीक होगा. 3 फॉर्म होते हैं जिनके माध्यम से ये सब ठीक किया जाता है. सबसे पहले होता है फॉर्म 6, जिसका उद्देश्य होता है नया वोटर बनाना, ऐसे लोग जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं लेकिन जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो फॉर्म 6 भरवाते हैं. किसके माध्यम से भरवाते हैं? अपने BLO के माध्यम से भरवाते हैं. आपका BLO कौन है उसकी लिस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे और आपके ERO जो आपका तहसील का ऑफिस है, आपका ब्लॉक का ऑफिस होगा, वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी. मैं निवेदन करूंगा डिप्टी डीओ साहब से कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनको वो लिस्ट आप अदरवाइज भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि कॉलेज के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को वो सूचना मिल जाए. एक बार आपको पता चल गया आपका BLO कौन है तो अगर आपको अपना नाम जुड़वाना है तो आप फॉर्म 6 भरेंगे. अगर किसी का नाम कटना है, कोई यहाँ का वोटर था, किसी कारणवश कहीं और चला गया और वहाँ जाके उसने वहाँ का वोट बनवाया, तो उसका यहाँ पे नाम कटना होता है अगर उसको कहीं और वोट बनवाना होता है, उस केस में फॉर्म 7 आता है. और तीसरा फॉर्म जो मैंने कहा, जो ऑलरेडी वोटर बने होते हैं लेकिन उनको कोई संशोधन कराना है, कोई चेंज कराना है, शिफ्टिंग करानी है, उसके लिए फॉर्म 8 होता है. ये 3 फॉर्म है जो महत्वपूर्ण फॉर्म है, इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए और आपके माध्यम से आपके अग्रजों को, आपके परिवार वालों को होनी चाहिए. इसके अलावा एक फॉर्म 6B होता है जो अंतिम फॉर्म है. आज के समय में जो भी काम हम करते हैं उसमें आधार और आधार की सीडिंग बहुत जरूरी होती है.
आधार की सीडिंग से तात्पर्य ये है कि जो भी चीज़ आप करेंगे, अगर आपका आधार सीडेड है तो आपकी पहचान की जा सकती है, इट इज़ यूनिक आइडेंटिटी। तो आधार की सीडिंग आप फॉर्म 6B के माध्यम से कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप नया फॉर्म 6 भर रहे होंगे तो उसमें ऑलरेडी नंबर देने की जगह होगी आधार की, आपका आधार सीड हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग आपके परिवार के जिनका वोटर आईडी बना है लेकिन जिनका आधार नंबर उसमें नहीं है, वो अगर फॉर्म 6 भरेंगे तो उनका आधार भी ऐड कर दिया जाएगा और सीड हो जाएगा। ये प्रक्रिया आज से लेकर अगले एक महीने तक 15 अक्टूबर तक चलनी है। 15 अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर जब खत्म हो जाएगा, फिर एक महीने का और पीरियड है। 25 नवंबर को हमारी ड्राफ्ट फाइनल पब्लिकेशन होगा इलेक्टोरल बोर्ड का। जो हमारी अंतिम मतदाता सूची है वो 25 नवंबर को निकाली जाएगी। तो एक तो मेरा आज मैडम के माध्यम से सभी अध्यापकों से और सभी प्रिंसिपल से ये निवेदन होगा कि ये प्रयास रहे कि जितने भी लोग अर्हता पूरी करते हैं, जितने भी लोग क्वालिफाइंग एज पूरा करते हैं, प्लीज इंश्योर एट योर लेवल ऑल्सो दैट दे बिकम वोटर्स। हम आप लोगों के सहयोग से मॉडल बूथ्स भी बनाएंगे। हम आप लोगों के सहयोग से ये भी इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा इस बार स्वीप के माध्यम से भी और अदरवाइज पूरी जो मतदान की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया है, उसका हिस्सा रहें। हम कार्यक्रम भी यहाँ कराएंगे, आपका उसमें सहयोग वांछनीय होगा। यू आर दी वन हु आर सपोज टू वोट, यू आर दी वन हु आर सपोज टू डेवलप, बी दी फाउंडेशन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया इन द फ्यूचर। लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग जागरूक होंगे। जागरूकता के बिना कुछ नहीं होता। सो मेरा आप सभी लोगों से जो इस कक्ष में बैठे हैं ये निवेदन होगा, इन चीज़ों के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए हम कॉलेजेस को भी उपलब्ध कराएंगे। आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी। चीज़ों को पढ़ें और चीज़ों को पढ़ के जागरूक हों और उनका फायदा लें। मैं अपेक्षा करूंगा कि जितने भी लोग यहां पे 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु पूरी कर चुके होंगे 1 अक्टूबर 2022 को, वो लोग वोटर जरूर बनेंगे, उन सबके फॉर्म 6 भरे जाएंगे। और खास तौर पे स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग युवाओं का, विशेषकर कॉलेज गोइंग युवाओं का, क्योंकि उनके 18 साल से की उम्र पूरी हुई होती है। हम अपेक्षा करेंगे कि इस बार की हमारी जो फाइनल लिस्ट बनेगी इलेक्टोरल रोल की, उसमें आप लोगों का, सभी लोगों का नाम होगा। इस अपेक्षा के साथ कि मैंने जो भी कहा उसके माध्यम से आप सभी लोग इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और जिला कठुआ में जो आगे भविष्य में जब भी चुनाव होगा, युवा वर्ग और युवा वर्ग के माध्यम से एक अच्छा चुनाव होगा, एक अच्छा मतदान होगा और हम एक नया अध्याय हमारी जो लोकतंत्र की कहानी है उसमें जोड़ने में सफल होंगे। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विशेषकर मैं प्रिंसिपल GTC वुमेन का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम को संचालित करने में हमारी सहायता की। और अंत में मैं अपने डिप्टी DO साहब और अपनी पूरी चुनावी सेल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 15 आज से जो स्पेशल समर रिवीजन स्टार्ट का जो फर्स्ट डे था तो इसमें हमने हर एक को प्राइज करना है। वी हैव 40 डेज फॉर दिस, लेकिन बेल बिगिन इज हाफ डन। तो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको अपनी स्वीप में गाड़ियाँ भी भेज दी हैं, बैनर वाली वो भी सारा मल्ले मल्ले गली कुचे में वो जाएंगे, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो जाएंगी और हर जगह हम बच्चों को ये जो प्रोग्राम है स्वीप का हर बच्चे को बता रहे हैं कि वो कहीं बोर्ड अपना बोर्ड बनाने से चूक ना जाए। जो हमने BLO सुपरवाइजर्स और BLO अपॉइंट किए हैं तो काले प्रशासन का हर एक बच्चे को, जैसे अभी हमने संबोधित किया 100 बच्चा था, 900 बच्चे इनकी स्ट्रेंथ है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनको यही हमने रिक्वेस्ट करी प्रशासन को कि आप हर एक बच्चे के कान में ये बात आप पहुँचाएँ कि आपने अपना बोर्ड बनाना है। और घर में जो अगर किसी के एडिशन है, डिलीशन है, स्पेलिंग गलत है या आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, वो ये बच्चों को यहाँ गाइड करेंगे, बच्चे घर वालों को करेंगे, उससे क्या होगा कि ये हमारा काम जो है वो सफलतापूर्वक कम्प्लीट हो जाएगा।